वार्ड 45 सर्वजन दुर्गत पूजा कमेटी की ओर से श्याम नारायण सिंह और उनकी पूरी टीम ने सोमवार को माँ दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन से पूर्व महाभोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 2000 से अधिक लोगों में भोग प्रसाद वितरण किया गया। तो आइए बातें करते हैं श्याम नारायण सिंह और अन्य अतिथि से कि उनका इस बारे में क्या कहना। 45 वार्ड सर्वजन दुर्गोत्सव पूजा कमेटी का आज विसर्जन भी होने वाला है, यहाँ पे महाभोग वितरण भी हो रहा है। जैसे कि हजारों की संख्या में लोग हर वर्ष जिस तरह से बैठ के खाते हैं, उसी तरह से इस बार भी आयोजन किया गया, क्या बोलेंगे सब सब? श्याम नारायण सिंह सारे अपने युवाओं को लेकर इस पूजा का आयोजन को इस बार इन्होंने बड़ा सुसज्जित ढंग से किया है। 1946 से पूजा शुरू हुई, इनके पिता गार्जियन यहाँ के जो भी मोहल्ला के लोग थे सारे लोगों को लेकर उस समय दुर्गा पूजा का नींव रखा गया और आज तक अब तक चल रहा है और वर्षों तक चलता रहेगा। ये अपना त्यौहार है और त्यौहार में सबको यहाँ देखिए गंगा जमुना का तहजीब वाले भी लोग हैं, सारे लोग रहते हैं, ताहिर भी रहकर उद्घाटन के दिन ही अपना पूरी सब्जी खीर खिलाता है। मैं रहा हूँ तो श्याम नारायण सिंह भाई इस बार युवाओं को आगे रखा है, युवा नहीं रहेंगे तो युवा जोश आगे नहीं लाएंगे, तो युवा ही तो हमारे देश का रत्न है। सारे युवाओं को लेकर इस पूजा के और भी आगे बढ़े और सबका सम्मान हो और सबके तहजीब में सबकी तरह की सेवा हो, तो इस बार महाभोग का इनका आयोजन वर्षों से चला रहा है और काफ़ी शायद बड़े रोज से शुरू हुआ है और अब तक चल ही रहा है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है, यहाँ कोई व्यवसायिक ऐसा केंद्र नहीं है कि जहाँ पर इनका प्रसाद इनके पास न जाता और चलता फिरता ये जगह है। व्यवसायिकों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, सारे लोग आकर इस मंडप में प्रसाद लेने का काम करते हैं और इस संस्था बारह महीना एक सेवा कार्यों में लगी रहती है। तो श्याम नारायण सिंह के पूरी टीम को मैं आंतरिक दिलों से इस विजय दशहरा का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और सबके लिए मंगल मैं करना चाहूँगा कि सबके जीवन में खुशियाँ हो, सबका मंगल हो और इस संस्था सेवा कार्य करती है। तो इस पर कहना चाहूँगा कि गमों के आँच पर आंसुओं को उबाल कर देख, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देख, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी किसी के पाँव के काटे निकाल कर देते। तो संस्था अपने लोगों के बीच में रहकर सेवा कार्य करती है, इसके लिए आंतरिक दिलों से हार्दिक अभिनंदन वंदन है, सबको प्रणाम। लोग एक युग काट लिए पूजा इस पूजा की जिम्मेदारियों से, एक युग गुजर गए आप लोग, आप नई पीढ़ी को ये जिम्मेदारी आप लोग सौंप रहे हैं, तो उन लोगों को लिए क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? हम 1985 से लगातार करते रहे थे, इस साल से हम लोग यहाँ के नए नए जो युवक हैं उनके ऊपर हमने ये जिम्मेदारी ले दी। हम लोग आज इस साल तक है, अगले साल से हम लोग पीछे से तो नहीं रहेंगे, लेकिन उन लोगों से हमको उम्मीद है कि जैसा हम करते रहे हैं उससे भी बढ़िया ये लोग काम करते हैं, यही करते हुए हम लोग बिना पूछने को बधाई देते हैं। क्या बोलिएगा यहाँ पे दशहरा की शुभकामनाएँ भी दीजिए और ये जो 145 सर्वजन दुर्गोत्सव कमेटी है यहाँ पे महाभंडारा भी हो रहा है वितरण, क्या बोलेंगे इस पर? मैं दशहरा के शुभ अवसर पर तमाम पूजा आयोजकों को धन्यवाद बधाई देता हूँ कि माँ दुर्गा उनको बुद्धि दे, उनके घर में खुशहाली हो और ये सामनन भैया कोई भी शुरू से ही हम जब से इनको इनसे मेरी परिचय हुई हम लोग तब से इस समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं और यहाँ तक ही नहीं, इनका जोर जबरदस्ती किसी मकान से चंदा उठाने का धंधा व्यवसाय नहीं है, खुशी से अपने मित्रों के साथ मिलकर और उनसे खुशी से सहयोग लेकर के अपना समाज सेवा कार्य करते हैं, या पूजा हो या कोई भी हर एक तरह के बारहों महीने समाज सेवा में लगे रहते हैं। ये माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हे माँ इनकी अर्जा बढ़े और ऐसे ही कार्य हमेशा करते रहें। धन्यवाद।